इंदौरी ब्लॉगर्स। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं कि हम लोग निकल चुके थे इंदौर की और आज हम फ्री थे तो हमने सोचा कि राखी की शॉपिंग कर लें क्योंकि परसों राखी है। तो देखते हैं अभी इंदौर में राखी पे क्या माहौल होता है, कैसे स्टॉल्स लगते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। इंदौर साफ सफाई के मामले में इंडिया में नंबर वन पे आता है। यहाँ के निवासी इंदौर को छोटा मुंबई के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे ये आई बस लेन है, यहाँ से सिर्फ आई बस जाती है। देखिए ये है आई बस। ये आई बस का स्टॉप है। आदिवासी दिवस और मोहर्रम दोनों इवेंट एक साथ है और यहाँ पे आदिवासी दिवस की रैली निकाली जा रही है। ये भंवर कुआं से निकल चुके थे राजवाड़े की ओर क्योंकि राजवाड़े में किसी भी फंक्शन पे किसी भी फेस्टिवल पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि राजवाड़े का अभी क्या माहौल है, कैसा क्या वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो मिलते हैं राजवाड़े में। ये फड़ियाली सेंटर है, यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी मिलती है। इंदौर का साबूदाने की खिचड़ी और पोहे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे प्लेट है। तो हम पूछते हैं भैया साबूदाने की खिचड़ी कैसे प्लेट है। 30 रुपीज़। तो भाई ये 30 रुपीज़ का प्लेट मिलता है। तो हम यहाँ से एक प्लेट साबूदाना लेके मैं टेस्ट बताती हूँ आपको कि टेस्ट कैसे। ये मैंने यहाँ से साबूदाने की खिचड़ी ले ली है जो कि 30 रुपीज़ प्लेट है। अब देखते हैं खाने के बाद मैं बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है। वहाँ तो टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। आप जब भी आइए इंदौर में साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल खा के जाना। हमें खाने के बाद पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। राजवाड़े में ऐसा है कि आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क करेंगे तो आपकी टोवेन आपको वहाँ से गाड़ी उठा के ले जा सकती है, इसलिए आपकी गाड़ी यहाँ से सेफ रहेगी। हम यहाँ पे आके गाड़ी पार्क करिए जो कि बहुत ही सेफ है, नहीं तो आप कहीं भी मार्केट में गाड़ी लगा देंगे तो कोई भरोसा नहीं आपकी गाड़ी कहाँ मिलेगी आपको। इसलिए यहाँ पे आके अपनी गाड़ी लगाइए और आराम से अपनी शॉपिंग करिए और फिर जाइए। नहीं तो आप हम आ गए थे सेकेंड फ्लोर। राजवाड़ा मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लोअर कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इंदौर का बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर मार्केट है, यहाँ 12 महीने भीड़ रहती है।
कदम की रैली निकाली जा रही है, जिसकी वजह से हम लगभग 2 घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं और हमारे पीछे भी बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। हमारा मॉल जाने का कोई प्लान नहीं था, बट रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने सोचा जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक थोड़ा मॉल घूम लेते हैं। बढ़ती ही जा रही थी, जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, और इसी बारिश में हम घर के लिए निकल गए हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करके बताएं, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय बाय, टेक केयर।